करनाल नगर निगम की मीटिंग का आज आयोजन हुआ। करनाल के पंचायत भवन से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकती है कि करनाल के 20 वार्डों के जो पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि हैं, करनाल की मेयर, आयुक्त, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की मौजूदगी में आज इस मीटिंग का आयोजन हुआ। और वहीं दूसरी ओर करनाल नगर निगम के जो अधिकारी है वो भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे। वहीं दूसरी ओर इस मीटिंग में मीडिया की एंट्री नहीं थी। इस बात का जब पार्षदों को पता चला तो पार्षदों ने बवाल किया। क्या कहते हैं पार्षद, सुनिए। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन ऑन कर दीजिए। कैमरामैन, नहीं सर, जब पार्षदों को इतराज नहीं है तो आपको भी इतराज नहीं है। जब हम ऐसे अजीत जो हम जनता के पैसे से टैक्स मिलता है और टैक्स से हम नगर निगम चलाते हैं, उस जनता को पता तो लगना चाहिए कि हमारे पार्षद क्या कर रही है। उस जनता को तो पता भी नहीं है कि माध्यम से लगेगा। और आपके पास ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं है कि आप सभी पार्षदों की वीडियो बनाओ। आज तक तो 7 साल में हुई नहीं है, तो मुझे ऐसे क्या इतराज है। मुझे मेरे ख्याल में इतराज होना भी चाहिए। हम तो साफ सुथरे, हम चोरी नहीं करते, किसी से कोई गलत काम नहीं करते, तो उसमें क्या इतराज है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल तैयारी कर दी गई जो आप बोलेंगे। सर एक बात, पहले नंबर पे तो ये है जी, मैं बताता हूँ जी, पहले नंबर पे तो ऑफिसरों को तो इतराज होना नहीं चाहिए। वो तो सदन की जो अध्यक्ष है वो मेन मैडम है। अगर मेन मैडम को इतराज नहीं है तो आपको क्या इतराज है। वैसे तो व्यवस्था तो प्रशासन ने, नहीं नहीं नहीं, मेन मैडम किसी कुर्सी पे बैठी है, जो उनकी हमने मांग ली है उसका हमने राय नहीं लेनी है। मेयर मैडम बोले ना कि मीडिया बाहर जाना चाहिए, वो सदन से राय लें, तो क्या इतराज है। जनता को पता तो लगना चाहिए जी। मीडिया बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है, परविंदर जी क्वेश्चन ये है कि व्यवस्था बाहर करती है और टीवी ऑन लगा दिया, और जो आप बोलेंगे वो बाहर भी सुनेगा जी। तो लाई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल के पंचायत भवन से, जहां पर नगर निगम की मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि दोपहर बाद इस मीटिंग का आयोजन हुआ था और देर शाम तक यह मीटिंग चली। वही दूसरी ओर करनाल के सभी 20 वार्डों के जो पार्षद वो यहां पर देखे गए, पार्षद प्रतिनिधि यहां पर देखे गए। और इसी बीच में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहां पर मीटिंग का आयोजन हुआ, मीटिंग के मुख्य एजेंडे क्या थे। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के विकास भवन की, जहां पर नगर निगम की मासिक बैठक यहां पर आयोजित की गई थी, अभी अभी संपन्न हुई है। हम आपकी अभी करनाल के मेयर से बात करवाते हैं। हाँ जी, आज की मीटिंग के बारे में बताइए, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, कितने प्रस्ताव पास हुए। हाउस में टोटल 26 एजेंडा आज रखे गए थे। सभी पार्षदों की सहमति से 21 एजेंडा हमारे अप्रूव हो गए हैं। 3 को हमने ड्रॉप किया है और 2 को नियम अनुसार उनमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और इसके साथ साथ शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों ने एक सकारात्मक सोच रखते हुए सभी ने अपनी अपनी बात को रखा, और मुझे लगता है कि ये हाउस की मीटिंग शहर के विकास में पूरी तरह से सहयोग करेगी। सभी पार्षदों ने अपने वार्डों के, अपने शहर के विकास के लिए जो भी संभव प्रयास हुए उन्हें करवाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शहर में हम विकास कार्य करवा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हाउस की मीटिंग में अधिकारियों और पार्षदों की एक फ्रूटफुल मीटिंग से विकास कार्यों की गति भी बढ़ती है और लोगों को भी इस बात के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी मांगों को रखकर अपनी सभी मांगों को पूरा करवाते हुए शहर का अच्छे से विकास कराएं। मैं सभी पार्षदों का इस बात के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हाउस की मीटिंग में एक सकारात्मक सोच रखते हुए अपने शहर के विकास की बात की।